सब्सक्राइब कीजिए आईटीआई एग्जाम 2020 चैनल को और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों इस टाइप से आपकी जो लैब होती है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की, इस टाइप से आपको इसमें मोटर रखी रहती हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा, ये आपको कैमरे में दिख रहा, वीडियो में दिख रहा होगा। इस तरह से आपकी जो लैब होती है वो इस तरह से होती है, उसमें मोटरें ऐसे इस टाइप से रखी रहती हैं, आपको दिख रहा होगा, नाम भी लिखा है। ठीक, मैं आपको और दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह से ये पूरी लैब है, ठीक है दोस्तों। और ये देखिए, ये है आपका डीसी कंपाउंड मोटर, ही है आपका, इसमें नाम भी लिखा है, ये डीसी सीरीज मोटर है। और ये आपका क्या है, ये है आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, दिख रहा होगा आपको, देखिए नाम भी लिखा है, ऑयल ऑयल टेस्टिंग किट है ये, देखिए। ठीक, आपको इस टाइप से ये लैब है, दिखने में अच्छी लग रही है ना, ये आपको पूरी लैब इस तरह से है। चलिए मैं आपको और चीज़ें भी दिखाता हूँ इधर, चलिए ये देखिए, इस तरह से ये आपकी लैब है। ठीक, चलिए अब दिखाता हूँ मैं आपको और चीज़ें इसमें, इधर देख लेते हैं आगे चलकर। ये है आपका मोटर जनरेटर, आपको दिख रहा होगा, ये आपका डीसी टू एसी है, जैसा कि आप लोगों को वीडियो में दिख रहा है, नाम भी लिखा हुआ है नीचे। तो ठीक, ये क्या आपका मोटर जनरेटर, और ये उधर क्या है, राइट साइड में एसी टू डीसी, और लेफ्ट साइड में क्या है, डीसी टू एसी, ये आपकी इस तरह से मोटर है। दोस्तों जब एक क्लास हुई थी, मैंने उसमें इलेक्ट्रिशियन थ्योरी आपकी जो सेकेंडरी क्लास हुई थी, मैंने बताया था आपको स्लिप रिंग और स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर के बारे में, तो वो इस टाइप से है। देखिए जो अंदर वाला भाग है वो क्या है आपका रोटर, और जो बाहर का हिस्सा है ये वो क्या है आपका स्टेटर। जो अंदर वाला जिसमें वाइंडिंग हुई है, देखिए आप इसमें, ये आपका घूमने वाला पार्ट है, और जो बाहर का पार्ट है ये देखिए, जो बाहर का पार्ट है लोहे का, ये क्या है आपका स्टेटर। ठीक है, और जो आपने, मैंने आपको बताया था स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है, उसमें जो यानी कि जो स्क्वायर केज इंडक्शन होती है, उसमें तो सिर्फ जो रोटर वाला भाग होता है उसमें, जो आपका स्टेटर वाला भाग होता है उसमें वाइंडिंग की जाती है, लेकिन जो आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है उसमें रोटर वाले भाग में भी वाइंडिंग की जाती है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, मैंने सेकेंडरी की जो क्लासेस हुई हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की, मैंने उसमें बताया हुआ है। तो इस टाइप से ये पूरा जो मोटर का है सीरीज, इस टाइप से लगी हुई है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि इलेक्ट्रिशियन वालों की लैब कैसी होती है। आपको वैसे तो अपने आईटीआई कॉलेज में आपने देखी होगी, लेकिन मैं उनके लिए लाया हूँ जिन्होंने मतलब अभी तक नहीं देखी, तो उनके लिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि इस टाइप से आपकी ये लैब होती है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अब अपनी क्लासेस में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। स्वागत है आप सभी का आईटीआई एग्जाम 2020 में। तो दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं कि मैंने इस चैनल पर आईटीआई फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए क्लासेस स्टार्ट कर रखी है, और मैं डेली आईटीआई क्लासेस इस पर चैनल पर अपलोड करता हूं। तो दोस्तों अगर आप नए हो और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार प्लीज़ लाल बटन को दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जल्दी जल्दी आप चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम वात्या भट्टी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, कि यह लोहे एस को पिघलाने वाली भट्टी है। ठीक, यह एक गोलाकार शंकु रूप में होती है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 25 से 40 मीटर, व व्यास 6 से 9 मीटर का होता है। इस भट्टी के बाहर लोहे की एक मोटी चादर लगी होती है, और अंदर और यानी कि एक सही 1/4 मीटर और एक सही 1/2 मीटर मोटी फायरबिक्स की दीवार बनी होती है या लाइनिंग की होती है। ठीक, इसके निचले भाग में चारों ओर से 16 नोजल लगे होते हैं, वो मैं दिखाऊंगा, ये जिनके द्वारा गर्म हवा भट्टी को दी जाती है। वह इन्हीं के नाम पर इसका नाम ब्लास्ट फर्नेस रखा गया है। ठीक, चलिए थोड़ी सी पॉइंट इसमें जो आगे हैं वो भी देख लेते हैं। इस भट्टी में 800 टन से 1200 टन तक लोहा गलाया जा सकता है। इसमें पिघले लोहे को पिग नामक सांचों में भरकर ठंडा कर लिया जाता है, इसलिए कच्चे लोहे को पिग आयरन कहते हैं। तो क्या कहते हैं कच्चे लोहे को, पिग आयरन। चलिए थोड़ी सी पिग आयरन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो यह बहुत निम्न कोटि का लोहा होता है, ये भी एग्जाम में आपके पूछ लिया जाता है, पिग आयरन यानी कि जो लोहे होते हैं। वैसे तो मैंने आपको लोहा करवाया है, जो आयरन के बारे में थोड़ा सा आपको जो पिछली क्लासेस हुई हैं उसमें बताया है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग तरह का है। तो देखिए,
मैंने बताया कि ये निम्न कोटि का लोहा होता है जिसे सीधे कार्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है तथा भंगुर होता है। इसका प्रयोग कई प्रकार के आयरन और स्टील बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि कास्ट आयरन और रोट आयरन और स्टील आदि में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। और इससे मशीन, इंजन, वाटर पाइप और सिलेंडर ब्लॉक्स आदि, ऑटोमोबाइल्स वगैरह, ये इससे तैयार किए जाते हैं इसी लोहे से, ठीक। और कास्ट आयरन में कार्बन संयुक्त और स्वतंत्र रूप में पाई जाती है जिसे ग्रेफाइट कहते हैं। यानी कि कास्ट जो आपका आयरन होता है इसमें जो कार्बन संयुक्त और स्वतंत्र रूप में ये पाई जाती हैं जिसे क्या कहते हैं, हम ग्रेफाइट भी हम कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट आता है आपका पिटवा लोहा। तो देखिए इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा हम कि यह लोहे का सबसे शुद्ध किस्म है। देखिए जो आपका जो पिग आयरन का है जो पीछे मैंने पढ़ा है उसमें वो क्या था आपका, वह निम्न कोटि का लोहा था। और ये सबसे क्या है, ये सबसे शुद्ध किस्म का ये लोहा है जो आपका पिटवा लोहा है, ठीक। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक, कि सब लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है। तो ऑप्शन दे देगा आपका पिटवा लोहा, पिग आयरन वगैरह वगैरह ऐसे ही। तो आपको क्या टिक करना पड़ेगा, पिटवा लोहा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लगभग 99.8% लोहा होता है। इसे आसानी से मोड़ा फोर्ज अथवा जो फोर्ज वेल्ड भी किया जा सकता है और इसे हाई टेम्पर नहीं किया जा सकता। इसका उपयोग डायनमो, जंजीर एवं हुक, कृषि औजार और जलियान का बाहरी भाग, भाप व पाइप के बने पाइप और किले, नट व बोल्ट, ब्लर व ब्लैक स्मिथ आयरन इत्यादि बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह दूसरी धातुओं के अपेक्षा अधिक चुंबकीय होता है, ठीक। और इसकी बनावट कौन सी कैसी होती है, रेशेदार होती है। इसका प्रयोग रिवर्ट बॉल, डायनमो, फोर्स, चूड़ी, पानी तथा भाप की जो नालियाँ, कीले तथा बिजली के जो सामान आदि होते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है उसमें, ठीक है। तो दोस्तों अगला पॉइंट आता है आपका इस्पात यानी कि स्टील। तो देखिए इसके क्या कह रहा है, स्टील आपका तो इस्पात लोहे व कार्बन का मिश्रण होता है। इसमें मुख्य तत्व तो कार्बन ही होता है। इस्पात में कार्बन की मात्रा जितनी अधिक होगी उतना ही वह चिमड़ा होगा यानी कि कठोर होगा। इसमें कार्बन का प्रतिशत 0.15% से और 1.5% तक होती है। अब बात करते हैं प्रमुख कुछ अलॉय के स्टील के बारे में। नंबर वन पर आता है आपका हाई स्पीड स्टील। देखिए हाई स्पीड स्टील को हार्ड करने के लिए 500 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। इसका प्रयोग हैक्सा ब्लेड, ड्रिल रिमर, ड्राई व टेप कटिंग टूल और मिलिंग कटर आदि बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह तीन प्रकार का होता है, लो, हाई और सुपर, ठीक है। पहले नंबर का देख लेते हैं आपका लो। तो इसमें टंगस्टन 14%, क्रोमियम 4%, कार्बन 0.6% और इसमें बने टूल्स को तेल में हार्ड किया जाता है। हाई स्पीड का देख लेते हैं, इसमें 18% टंगस्टन होता है, 4% क्रोमियम और 1% वैनेडियम और 0.6% कार्बन इसमें होता है। और इसे हवा में हार्ड किया जाता है इसलिए इसे हवा स्टील भी कहते हैं, ठीक। जो ऐसे ऐसे पॉइंट आते हैं इनको आप जल्दी से नोट कर लिया करो, ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में ही ऐसे ही पॉइंट आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। आप चाहे तो उन्हें नोट कर लीजिएगा। थर्ड नंबर पर आता है आपका सुपर हाई स्पीड स्टील, ठीक है। तो देखिए इसमें 21% टंगस्टन होता है, 4% क्रोमियम और 1.5% आपका वैनेडियम और 2% से 4% इसमें कोबाल्ट भी होता है और 0.7% इसमें भैया कार्बन होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम स्टेनलेस स्टील के बारे में। तो देखिए इस एलॉय में 8% तो निकल होता है और 18% क्रोमियम और 0.2% से 1% तक इसमें कार्बन होता है। इस धातु को जंग नहीं लगता और चुंबक अपनी ओर नहीं खींचता यानी कि चुंबक इस पर नहीं चिपकते। इसका प्रयोग कटिंग टूल्स, सर्जिकल यानी कि घरेलू बर्तनों में, ऑटोमोबाइल्स में, हवाई जहाज के पार्ट्स होते हैं उसमें किया जाता है और घड़ियों के पुर्जे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। अब देख लेते हैं मैगनीज स्टील के बारे में। इसमें क्या होता है, 11% से 15% क्या होता है इसमें मैगनीज और 1% इसमें कार्बन होता है। यह एलॉय बहुत ही कठोर होता है जिस वजह से इसको फोर्ज और मशीनिंग करना काफ़ी कठिन होता है। इसमें ज़्यादातर प्रयोग कहाँ जाता है, रेलवे की पटरी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, कनेक्टिंग रोड बनाने में, रेलवे क्रॉसिंग बनाने में इसका आदि प्रयोग किया जाता है। अब आता है आपका एलोहे धातु। तो देखिए सबसे पहले इसमें आता क्या है, तांबा। तो तांबा भी आपका इम्पोर्टेंट है।
तो तांबे को पायराइट एस्क से निकाला जाता है, इसका क्वथनांक कितना होता है 1100 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक होता है। यह टीन के साथ मिलकर कांसा बनाने में प्रयोग किया जाता है, इसका उपयोग बिजली के तार बनाने में, लोहे पर जिंक की परत का चढ़ना जस्तीकरण या गैल्वनाइजेशन कहलाता है, जो लोहे को जंग से बचाता है। यानी कि कहाँ पर किया जाता है, आपने साइकिल देखी होगी, साइकिल जो उसका हैंडल होता है चमकीला होता है, उस पर जो परत चढ़ी उसको हम क्या बोलते हैं, जस्तीकरण यानी कि गैल्वनाइजेशन, और जो लोहे को जंग से बचाता है। ठीक है, यह है जस्ता जस्ता के साथ मिलकर पीतल बनाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं एल्यूमिनियम क्या कह रहा है। एल्यूमिनियम देखिए, इसे मुख्यतः बॉक्साइट एक्स से निकाला जाता है, उपयोग इसका कहाँ किया जाता है, बर्तन में, कुकर, हवाई जहाज़ की जो बॉडी होती है उसमें, और बस की बॉडी होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, और बिजली के तार बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, और इसका जो गलनांक होता है वो होता है इसका 660 डिग्री सेल्सियस। अब आता है आपका नॉन मेटल यानी कि अधातु। तो देखिए, यह इलेक्ट्रॉन गैन करने करके ऋणायन बनता है, इसकी जो बाह्यतम कक्षा में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ठोस गैस अवस्था में यह पाया जाता है, और इसका जो अपवाद है बस थोड़ा सा द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, क्या ब्रोमीन इसका अपवाद है। जो होते हैं आपके जो अधातु होते हैं वो क्या होते हैं, वैद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन जो अपवाद है इसका वह है ग्रेफाइट। और अब जो आपके धातु होते हैं वो भंगुर अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़कर। ठीक, श्वेत फास्फोरस हवा में लगभग 40 डिग्री तापमान पर स्वतः ही जल उठता है, इसलिए इसे जल में डूबा कर रखते हैं। फास्फोरस की गंध लहसुन जैसी होती है। फास्फोरस जब कास्टिक सोडा से अभिक्रिया करता है तो फास्फीन नामक गैस का निर्माण करती है, जो जहरीली गैस होती है। तो दोस्तों, ये थी आपकी क्लास, जिस क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो हमने इस क्लास में डिस्कस किए। दोस्तों, ऐसे ही आपको क्लास चाहिए तो आप जल्दी जल्दी चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं इस चैनल पर आईटीआई क्लास डेली अपलोड करता हूँ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो घंटे का निशान होता है साथ में उसको भी आप दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई क्लास लाऊंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अब अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।